हरियाणा में आई नई डीसी रेट भर्ती। ये डीसी रेट भर्ती हरियाणा में 20 प्रकार के पदों पर आई है। अनुबंध आधार पर ये सारे पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनके बारे में जानने के लिए तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जिसके ऊपर हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी रेगुलर प्रोवाइड करवाई जाती हैं, चाहे वो डीसी रेट भर्ती की जानकारी हो या एचएसएससी या एचपीएससी की भर्ती की जानकारी हो। जैसे ही हमें इन भर्तियों से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती है, हम तुरंत वो अपडेट आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसलिए अगर आप भी ऐसी जानकारी रेगुलर पाना चाहते हैं और आपने अभी तक डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। चलिए अब देखते हैं आज की भर्ती के बारे में। ये भर्ती आई है नगर निगम चंडीगढ़ के अंदर और साथियों इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, निम्न दिए विवरण अनुसार नगर निगम चंडीगढ़ में अस्थायी आधार पर निम्न पदों जिनके नियमित होने की संभावना है। ये जानकारी विज्ञापन में दी गई है साथियों कि फिलहाल तो ये भर्ती अस्थायी आधार पर की जा रही है, लेकिन इनके नियमित होने की संभावना है। को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 20 प्रकार के पद कौन कौन से हैं। पहला पद है स्टेशन फायर अधिकारी का, ग्रुप बी की ये जॉब है और इसमें 4200 आपका ग्रेड पे रहेगा। पहली पोस्ट के लिए इसमें पदों की संख्या की बात करें तो एक पोस्ट है इसमें जनरल कैटेगरी की। दूसरे नंबर पर है फायरमैन की, ग्रुप सी की ये पोस्ट है जिसमें 2400 ग्रेड पर रहेगा और टोटल इसमें 81 पद हैं जिसमें 31 पद जनरल के हैं, 7 एससी और 14 ओबीसी के। इस प्रकार टोटल 81 पदों पर ये भर्ती है। तीसरे नंबर पर जो भर्ती है वो ड्राइवर के पदों पर है, ग्रुप सी की ये जॉब है, इसमें भी 2400 ग्रेड पर रहेगा। 4 पदों के ऊपर ये वैकेंसी है और चारों पद इसमें एक्सर्विसमैन कैटेगरी जो ओबीसी में है उनके लिए हैं। चौथे और पांचवे नंबर पर ग्रुप ए की पोस्ट है एसडी की। चौथे नंबर पर एसडी सिविल है, इसमें एक पोस्ट है। पांचवे नंबर पर दो पोस्ट हैं साथियों, इनका ग्रेड पे 5400 रुपये है। और अगर छठे नंबर की बात करें तो अकाउंटेंट के पदों पर ग्रुप बी की भर्ती है जिसका ग्रेड पे 4400 है। दो पदों के ऊपर भर्ती है, एक जनरल कैटेगरी का है पद और एक ओबीसी कैटेगरी का। सातवें नंबर का जो पद है वो सब इंस्पेक्टर के पदों पर है, ग्रुप बी की भर्ती है, 4400 ग्रेड पे है। टोटल 6 पद हैं इसके अंदर। आठवां पद है जूनियर इंजीनियर सिविल का, ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी, जिसका ग्रेड पे 4800 है और इसमें टोटल 4 पद हैं। नौवां नंबर है वो ग्रुप जूनियर इंजीनियर बागवानी का है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है और दो पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर जन स्वास्थ्य ग्रुप बी के पदों पर ये भर्ती है, टोटल 5 पदों पर ये वैकेंसी है, 4800 इसका ग्रेड पे है। ग्यारहवें नंबर पर है जूनियर इंजीनियर विद्युत, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 इसका भी ग्रेड पे है और दो पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। जो बारहवें नंबर की पोस्ट है वो ड्राफ्टमैन की है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है और टोटल 6 पदों के ऊपर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। तेरहवें नंबर पर कलर्क के पदों पर वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, 3200 ग्रेड पे है और इसमें टोटल 41 पोस्ट हैं। इसमें साथियों अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट आप खुद देख सकते हैं। चौदहवें नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी की वैकेंसी है, 3200 ग्रेड पे है, 5 इसमें वैकेंसीज हैं। जो पंद्रहवें नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें 3200 ग्रेड पे है साथियों। सोलहवें नंबर पर जो पोस्ट है वो पटवारी की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 3200 ग्रेड पे है, एक पद के ऊपर ही वैकेंसी है। सत्रहवें नंबर पर है बागवानी सुपरवाइजर की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 इसका ग्रेड पे है और दो पदों के ऊपर ही वैकेंसी है। अठारहवें नंबर पर जूनियर ड्राफ्टमैन की है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 3200 ग्रेड पे, 3 पदों के ऊपर वैकेंसी। 19वीं जो पोस्ट है यह है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ग्रुप बी की पोस्ट है और 4200 ग्रेड पे रहेगा, एक पद के ऊपर वैकेंसी है। लास्ट और 20वें नंबर की जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर की है, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पद के ऊपर वैकेंसी है, 4200 ग्रेड पे रहेगा। इस प्रकार टोटल 172 पदों पर ये वैकेंसीज आई हैं। इनके लिए लिखित परीक्षा, आवेदन शुल्क तथा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें,
इत्यादि के विवरण सहित योग्यता, आयु, अनुभव, आवेदक की राष्ट्रीयता, वर्ग अनुसार रिक्तियाँ, ये सारी जानकारी आपको mcchandigarh.government.in के ऊपर देख सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी योग्य कैंडिडेट है वो 8 अप्रैल से इसके लिए आवेदन कर सकता है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करें तो 3/5/2021 यानी 3 मई को इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है, और फीस जमा कराने के लिए 5 मई तक का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा और किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।